नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर सुल्तानपुर से है, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद इसौली क्षेत्र के सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खां को भीड़ के बीच नोटों की गड्डी पकड़ते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि कैमरा चलते देख विधायक ने पैसा लेने से इनकार करते हुए हाथ खड़ा करते हुए दिखाई भी दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक मोहम्मद ताहिर खां और सपा प्रत्याशी भी निषाद से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठा। अगली खबर सिरोज के ग्राम बमोरी शाला की है, जहां एक महीने से हैंडपंप खराब होने की खबर सामने आई है, जहां ग्रामीणों को पानी पीने को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम के लोगों ने इस बात को लेकर शिकायत भी की, लेकिन अभी तक नल सुधार के लिए कोई प्रयास शासन या प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से है, जहां आज अजीतमल थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सड़क दुर्घटना में पास के गांव लालपुर की रहने वाली 40 वर्षीय महिला श्रीदेवी की दर्दनाक मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर हंगामा काटा। बाद में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के आने पर मृतक महिला के परिजनों को समझाने पर जाम खुल सका। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। खबर औरैया से है, जहां आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जी हां, यहां 5 जगहों पर खेतों में आग लगने की सूचना मिली है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं जमोली, पहर, जमालीपुर 2 और जगहों पर आग से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान जमोली में हुआ। ग्रामीणों द्वारा एकत्रित होकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक फसल जलकर खाक हो चुकी थी। सुबह ग्राम जमोली थाना दिव्यापुर में आग लगने की सूचना मिली थी। गेहूं के खेत में आग लगी, तत्काल ही 2 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और दोनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। इसके अलावा छोटी मोटी 4 से 5 घटनाएं और हुई हैं, जिनमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल कोई भी आग पेंडिंग नहीं है, सभी पर कार्रवाई कर दी गई है, वर्तमान में कुशलता है। खबर औरैया से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कराए जाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है, जिसके तहत जिला अधिकारी नेहा प्रकाश द्वारा सभी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों तथा प्राचार्यों को निर्देश दिए गए कि वो अपने अपने विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से मतदाता जागरूकता रैली निकाले, जिससे कि लोग मतदान के प्रति जागरूक हो सके। इसी के तहत तिलक महाविद्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को तिलक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान छात्र स्लोगन लिखी पटकाएं लेकर नारेबाजी करते हुए चल पड़े थे। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली जा रही है। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमती हुई तिलक नगर स्थित स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई। ये मतदाता जागरूकता रैली हमारा बीएड के तहत बीएड और डीएलएड का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें हम स्काउट गाइड का कैंप हमारे यहाँ लगा हुआ है, उसके तहत ये निकाली गई है। और ये रैली तिलक महाविद्यालय स्टेडियम परिसर से प्रारंभ होकर तिलक महाविद्यालय से होती हुई, संजय गेट से होती हुई, हमारे क्या कहते हैं नगर पालिका के सामने से, उधर से अस्पताल से होती हुई, सीधा पेट्रोल पंप होती हुई, पुनः वापस ये स्टेडियम परिसर आई है। इस मतलब रैली का जो उद्देश्य है वो क्या है? इस रैली का उद्देश्य है कि छात्रों में और लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे कि लोग इस बात को समझें कि देश के नागरिक होने के नाते वोट का क्या महत्व है और एक वोटर के क्या राइट्स हैं, तो उनको इस बारे में पता होना चाहिए। आज भी हमारे देश में यद्यपि संविधान को लागू हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी अपने वोट का सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वोट की वैल्यू को उतना नहीं समझ रहे हैं। तो चूंकि शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है और शिक्षा जगत से होने के नाते ये हमारी निजी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करें और अपने छात्रों में जागरूक। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोगों को जागरूक करना, मतदाता प्रतिशत को बढ़ाना, मतलब जब से वोट पड़े हर समय जनपद औरैया का वोट प्रतिशत 60% कभी 60% से नीचे रहता है, इसलिए हम लोगों का प्रयास ये है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, हम लोगों का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मतदान कराएं, लोगों को प्रेरित करें मतदान के लिए। उसी के संबंध में ये रैली का आयोजन किया था हम लोग। यह रैली कहाँ से कहाँ तक मतलब निकाली गई? यह रैली तिलक स्टेडियम से होते हुए
और नगर के प्रमुख शहर के मार्ग से होते हुए तिलक महाविद्यालय स्टेडियम में समापन किया गया। अरे नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार त्यागी, जिला संगठन आयुक्त इसका। खबर औरैया से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झोपड़ी के अंदर संचालित हो रही थी अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री। मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस को छापेमारी के दौरान एक अभियुक्त समेत 8 निर्मित तमंचे, 315 बोर अधिया बंदूक, 315 बोर एक तमंचा, 12 बोर समेत जिंदा कारतूस और खोखा समेत अर्ध निर्मित असलहे और असलहे बनाने के उपकरण और तमाम अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसमें जब दिव्यापुर पुलिस ने सूचना पर सीओसीटी के निर्देशन में दबिश दी, तो धर्म सिंह पुत्र मेवालाल राजपूत, जो निवासी तेजपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात का रहने वाला है, वर्तमान में ये धीरपुर अड्डा में ये एक झोपड़ी बनाकर अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था। और इसका बेटे की भी सूचना थी, जो वर्तमान में वांछित है, और सूचना पे जाने से पहले वो मौके से फरार हो गया था। इसमें जब इसको अरेस्ट किया गया तो मौके से 10 बने हुए शस्त्र अलग अलग बोर के और 4 अर्धनिर्मित शस्त्र और काफ़ी भारी मात्रा में शस्त्र बनाने की सामग्री और जो औजार हैं वो सभी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 12 इसमें अलग अलग बोर के जिंदा कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।